हमारे गफूर साहब है मामूली आदमी, राज का मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग इनके बेटे हैं, हम उनका वोटर हैं, ये गोपालगंज के हैं, ये चचा हैं हमारे, इनका सम्मान है। ऐसे व्यक्तियों को आपने तरहीद दी, आप फंसा के रखे हैं लोगों को, रुके रहो, अब एक्सपेंशन हो रहा है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार, आज जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा होना चाहिए। लालू जी ने मेरे को नाम बोला है मिनिस्ट्री का बारे में, मैं जस्ट फॉर वन मिनट आई वांट टू क्लैरिफाई माय पोजीशन सर। मैं सीट डाउन हो जाता हूँ, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मौन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है। क्यों आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं, हाँ महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, आपको क्या चाहिए? मैंने आप इन बातों को इसलिए कहा कि माननीय आडवाणी जी ने कोई असंसदीय, कोई अनपार्लियामेंट्री, आपने कहा, आडवाणी जी ने कहा कि उधर कौन वित्त मंत्री